हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो है वो एक जवाब मांगा है कि जो भी इंटरनेट बंद करने से संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं उन पे केंद्र सरकार जो है वो अपना जवाब दे। हाल ही में दोस्तों एक सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा जो है वो एक पेटिशन जो है वो दायर की गई थी कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मनमाने ढंग से इंटरनेट को जो है वो शट डाउन कर देती है। पेटिशनर ने ये कहा था कि राजस्थान और असम जैसी जो स्टेट है वह इंटरनेट को जो है वो सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए पूरी की पूरी स्टेट में या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। दोस्तों एक तरफ तो जो गवर्नमेंट है पेटिशनर द्वारा ये कहा गया कि हर एक चीज को जो है वो डिजिटल किया जा रही है, जैसे कि मनरेगा में मजदूरी के लिए जो है वो कार्ड को डिजिटल किया गया है, खाद्य टिकट के लिए जो है वो व्यक्तियों को अपनी उंगलियों के निशान देने पड़ते हैं। एक तरफ जो है वो आप हर एक चीज को डिजिटल किए जा रहे हो और दूसरी तरफ जो है वो आप मनमाने तरीके से जो है वो इंटरनेट सेवाओं को निलंबन किए जा रहे हो। ऐसी ही एक घटना सितंबर 2021 में जब राजस्थान के पूरे राज्य को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का खामियाजा भुगतना पड़ा था, जब शिक्षकों के लिए राजस्थान जो पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जा रही थी तो पूरे राज्य में जो है वो इंटरनेट सेवाओं का निलंबन कर दिया गया था। इसी तरह की जो कार्यवाही है वो गुजरात, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा भी की गई है। पूरे जिले के लिए या तो कुछ एक जिलों के लिए जो है वो इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जाता है। राज्य की ओर से की गई एक ऐसी जो असंगत कार्यवाही है जिसका जो आर्थिक गतिविधियों और लाखों नागरिकों की आजीविका पर काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के साथ साथ असम की जो गवर्नमेंट है वो भी विभिन्न बोर्ड और सरकारी भर्ती की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन जो है वो कर चुकी है। असम जो है वो 27 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को विभिन्न तरीकों से जो है वो बंद कर चुका है जब भी इसमें बोर्ड या सरकारी भर्ती की परीक्षाएं हुई हैं। तो दोस्तों जब पेटिशनर द्वारा ये सब जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया कि जो इंटरनेट सेवाओं को जो शट डाउन करने का जितना भी प्रोटोकॉल्स है सरकार उसके बारे में एक डिटेल जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे और बताए कि क्या एक रीजंस और क्या एक वैलिड रीजंस है जिनकी वजह से जो है वो इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कहाँ किया गया और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब इंटरनेट को जो है वो शटडाउन किया जाता है तब किस किस पर्सन की जो है वो परमिशन रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों जो इंटरनेट शटडाउन है वो कुछ एक खास परिस्थितियों में कुछ एक खास इलाके या पूरे देश में जो है वो सरकार इंटरनेट सेवाओं को बंद कर सकती है। इसका जो मेन मकसद रहता है वो सूचना को फैलाने से रोकना होता है ताकि अशांत जो स्थितियां हैं उन पे काबू किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो फर्जी खबरें हैं वो बहुत ही तेजी से फैलती हैं, इससे जो है वो हिंसा भड़कने का भी खतरा रहता है। तो जब सरकार को ऐसा लगता है कि हिंसा भड़क सकती है और उस पे काबू जरूरी है तब सरकार जो है वो इंटरनेट को बंद करने का सहारा लेती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जो है वो इंटरनेट कहाँ बंद किया गया था, जो कि आपका जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेट 2011 में मिस्र में जो है वो शट डाउन हुआ था। मिस्र में जब सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था तो विरोध प्रदर्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था। इससे वहां की सरकार काफी डर गई थी और सरकार ने कम से कम एक हफ्ते तक जो है वो इंटरनेट शटडाउन कर दिया था। इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह ठप करने का पहला मामला तभी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सामने आया था। तब से जो है वो इंटरनेट बंदी का जो है वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होने लग गया। इंटरनेट शटडाउन जो ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 75 टाइम्स, 2017 में 106 बार और 2018 में 196 टाइम जो है दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो इंटरनेट पे बैन लगाया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्या स्थिति है इसको लेके, तो मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा रुझानों में भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन की स्थितियां जो है वो पैदा हुई हैं।
2019 में इंटरनेट पर जो बैन लगाने के मामले में भारत जो है वो दुनिया में शीर्ष पर भी रहा था। इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में 106 बार जो है वो इंटरनेट शटडाउन हुआ था। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि इंटरनेट शटडाउन करता कौन है। तो भारत में जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, दोनों के पास पावर है कि वह टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट सर्विस जो है वो पूरी तरह बंद करने या कुछ एक साइटों को जो है वो बंद करने का निर्देश देती है। इंटरनेट शटडाउन के लिए अदालत से पहले मंजूरी लेना कोई अनिवार्य नहीं है। सभी लाइसेंसधारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कानून के तहत एक एग्रीमेंट पे जो है वो साइन करने के लिए बाध्य हैं। उस एग्रीमेंट से भारत सरकार को जो यूजर के डेटा तक पहुंचने का भी अधिकार मिलता है, यानी भारत सरकार इंटरनेट कंपनियों से जो है वो यूजर का डेटा जो है वो निकलवा सकती है। 2017 से पहले जो थे वो जिले के डीएम इंटरनेट बंद करने का आदेश देते थे, लेकिन 2017 में सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स तैयार किए थे। अब सिर्फ केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें ही इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इंटरनेट शटडाउन की जो प्रक्रिया है वो तीन चरणों से होके गुजरती है। पहले केंद्र या राज्य के जो गृह सचिव हैं इंटरनेट बैन करने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो एसपी या उससे ऊपर रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें भेजा जाता है। उक्त अधिकारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो इंटरनेट सर्विस ब्लॉक करने के लिए कहता है। ऑर्डर को जो है वो कामकाजी दिन के भीतर ही केंद्र या राज्य सरकारों के रिव्यू पैनल के पास भी भेजना होता है। इस रिव्यू पैनल को जो है वो 5 वर्किंग डेज में जो है वो समीक्षा करनी होती है। केंद्र सरकार के जो रिव्यू पैनल है उसमें जो है वो सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी होते हैं। वहीं जो राज्य सरकार के लिए जो आदेश है उसे उसके जो रिव्यू पैनल में चीफ सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी और एक अन्य जो है वो सेक्रेटरी शामिल रहता है। दोस्तों बट सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें ये जो सारा जो मैंने आपको तीन चरण बताए ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो इमरजेंसी की स्थिति में केंद्र या राज्य जो सरकारें हैं उनके गृह सचिव द्वारा जो है वो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनेट जो है वो बैन करने के आदेश दे सकते हैं। ये जो आदेश दिए जाते हैं इन्हें 24 आवर्स के अंदर जो है वो केंद्र या राज्य जो है वो गृह सचिव से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट जो जितनी इंटरनेट से संबंधित जितने भी राइट हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है वो क्लियर किए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो राइट टू यूज इंटरनेट है वह जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो है वो डिफाइन कर रखा है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया था कि भारत में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं और इंटरनेट यूज से संबंधित जितनी भी जो बैन है जब सरकार उन्हें इम्पोज करती है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए और कोई भी इंटरनेट शटडाउन में सरकार द्वारा आर्बिट्रेरीनेस जो है वो नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी क्लियर किया गया था कि राइट टू यूज इंटरनेट जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट है बट ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है बट कि सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसका जो नेम है वह है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अनदर स्टेट। तो इस जो पिटीशन में पिटीशनर द्वारा यही कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑलरेडी अनुराधा भसीन में गाइडलाइंस दी गई हैं राज्य सरकारें जो है वो उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को अगेन इस मैटर में जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि दोबारा जो है वो इंटरनेट शटडाउन को लेकर क्यों पिटीशन दायर की गई है और पिटीशनर द्वारा किन किन मुद्दों को उठाया गया। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि जब इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है तो किन किन कमेटीज और पैनल रिव्यूज को होके उसे गुजरना पड़ता है इस बारे में भी मैंने आपसे एक डिटेल डिस्कशन की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।